अच्छा, आप में से जिनको पेन टूल में प्रॉब्लम आ रहा है, ट्विटर को आपने ट्रेस करना है, क्योंकि इसके अंदर कर्व्स भी हैं और कॉर्नर्स भी हैं, आपको सही तरह समझ आ पाएगा। तो देखिए, पेन टूल लिया, इसका फिल ऑफ कर रहे हैं और स्ट्रोक इसका हमने मतलब किसी भी कलर का कर देते हैं। मैं अभी रेड कर रहा हूँ, बल्कि हाँ ठीक है, रेड कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ क्लिक किया, मैं कॉपी कर देता हूँ अभी। यहाँ पर देखिए, ये कर्व हो रही है पाथ, तो मैं यहाँ क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग करूँगा। इसके बाद भी अगर आप में से किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आता तो फिर भी परेशान नहीं होना, मैं आपको गाइडेड एक्सरसाइज फिर मंडे को प्रोवाइड करूँगा। आप गाइडेड एक्सरसाइज को फॉलो करके इसकी अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे। अच्छा, अब ये पूरा कर्व है, इसको मैं पूरा भी बना सकता हूँ, नहीं तो हम हाफ भी बनाएंगे। तो यहाँ क्लिक प्रेस करके मैंने ड्रैग किया, ये देखिए ऐसे सेट हुआ। ये हैंडल मैंने डिलीट किया है इसका, यहाँ पर क्लिक करके। अच्छा, अगले पॉइंट पर माउस लेके जाएंगे तो ये आप देख रहे हैं कि खुद ब खुद कर्व हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा गैप है जो कि बाद में एडजस्ट किया जा सकता है। तो मैं जस्ट यहाँ क्लिक कर दूंगा, उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर क्लिक प्रेस करके ड्रैग किया, क्योंकि इसके कर्व बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं तो आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। अब हैंडल डिलीट कर दिया यहाँ से, क्यों डिलीट किया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आएंगे यूँ ड्रैग करेंगे तो वो ख़राब होगा, तो इसलिए हैंडल यहाँ से हम इसका कर देंगे डिलीट। इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ क्लिक किया, हैंडल डिलीट हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर रहे हैं, फिर हैंडल डिलीट करेंगे क्योंकि कॉर्नर आ रहा है, कॉर्नर पर आपने हैंडल डिलीट करना है अगर आपका पिछला पाथ कर्व होगा तब। देखिए, यहाँ क्लिक किया, अभी इसी चीज़ को मैं आसान तरीके से भी आपको बना के दिखाता हूँ, इसको कंप्लीट कर लूँ पहले। देखिए, क्लिक क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक फिर यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक मिडल में, तकरीबन इसका मिडल यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ ये हिस्सा हम पहले बना लेते हैं और फिर दूसरा पार्ट मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ठीक है। ये बाहर आ रहा है, ये सेट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो मैं अब इसको क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, फिर यहाँ क्लिक क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक और फाइनली इस पे इसको हमने सेट कर दिया, ठीक है। अब ये ट्रेस हो चुका है, जो यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है ये हम ठीक कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने सेलेक्ट कर लेना है, मैं इस एंकर पर क्लिक करूँगा ताकि इसके हैंडल हमें नज़र आए। इस हैंडल को हम थोड़ा छोटा करेंगे, इसकी लेंथ कम करेंगे, जैसे लेंथ कम करेंगे तो यहाँ देखिए सेट हो गया। इस तरफ से भी देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से बाहर हो गया है, तो इस पाथ को क्लिक प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। वैसे इतने का फ़र्क नहीं आता, मामूली सा फ़र्क होता है, कोई मसला नहीं होता। अब इस चीज़ को भी देखें, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ताकि हैंडल इसका आए, और ये देखिए ये मैंने सेट कर लिया। अब ये हो चुका है वेक्टर, इसको हम जितना मर्जी बड़ा कर लेंगे ये ख़राब नहीं होगा। इसको हम साइड पे ले जाते हैं सिलेक्शन टूल से। अच्छा, आप में से किसी ने नोटिस किया होगा इसको ट्रेस करने में मुझे कितना टाइम लगा होगा, अंदाजन 2 मिनट लगे होंगे, ठीक है। अब इससे भी मैं आपको फास्ट मेथड बता रहा हूँ कि आपने कैसे ट्रेस करना है। पहले मैं इसके अंदर कलर ले आता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, आई प्रेस किया, इसके ऊपर क्लिक किया और ये कलर आ गया, ठीक है। अब दोनों ट्विटर आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला पिक्चर है जो कि रास्टर है और ये वाला वेक्टर है। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं इसमें तो आप देखेंगे ये जो रास्टर वाला है इसके पिक्सल्स आपको नजर आ रहे हैं, डब्बे डब्बे नजर आ रहे हैं, बट जो वेक्टर वाला है उसके किनारे बिल्कुल स्मूथ नजर आ रहे हैं। जितना ज्यादा आप जूम करते जाएंगे उतना ज्यादा रास्टर आपको खराब नजर आएगा। ये देखिए रास्टर वाला कितना खराब है, बट वेक्टर वाले के एजेस देखें बिल्कुल शार्प है,